Okay, good evening everyone and welcome to this fifth class. So we will continue our topic which we were doing of how to read the KP chart. So to read the KP chart, आप लोगों को पता है कि जो हाउस लॉर्ड्स होते हैं वो एक रिजल्ट कैरियर होते हैं और जो हाउसेज होते हैं वो एक्टिविटीज उस भाव की आपको मुहैया कराते हैं और ये जो हाउस लॉर्ड्स होते हैं ये रिजल्ट कैरी करते हैं इन एक्टिविटीज का और ये आपको डिलीवरी देते हैं. लाइक दीज हाउस लॉर्ड्स, यू हैव ऑर्डर्ड अ पिज्जा. That is from that house of the second house. Now, who's going to deliver that pizza for you? It's that house lord who's going to deliver it for you. आपको घर चाहिए तो आपको जो fourth आपका house lord बनेगा KP chart में, he will get you the property, he will get you the comforts, he will get you the vehicles. Fifth house lord होगा पंचम भाव, बच्चों का होता है, पढ़ाई का होता है, तराशरी में आपकी मौज मस्ती का होता है. सो इट इज द एक्टिविटी ऑफ दैट हाउस विल बी कैरीड बाय द हाउस लॉर्ड. वो फिफ्थ का जो भी हाउस लॉर्ड होगा वो एक्टिविटीज को कैरी करेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के हिसाब से वो डिलीवर करेगा. जो प्लैनेट्स होते हैं लाइक दीज प्लैनेट्स कैरी द रिजल्ट्स ऑफ दैट हाउस. भाई अब हर हाउस का कोई ना कोई हाउस लॉर्ड तो कोई प्लैनेट ही होगा. सो दीज प्लैनेट्स विल कैरी दैट रिजल्ट एंड डिलीवर इट टू यू. वेदर इट इज गुड और बैड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. प्लैनेट्स डिलीवर द रिजल्ट्स इन टू वेज. एक तो जो उस भाव की उस घर की सिग्निफिकेशन होती है उसके माध्यम से वो डिलीवर करते हैं. जिस भी भाव का वो हाउस लॉर्ड बनते हैं, कोई अष्टम का बन जाएगा तो वो आपको पीड़ा डिलीवर करेगा, प्रॉब्लम्स लाएगा वो हाउस लॉर्ड. कोई अगर ग्यारहवें का बन जाएगा भाई आपको लाभ लाएगा. कोई पंचम का बन जाएगा तो आपको अच्छी सेहत देगा. जो फर्स्ट का बन जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाएगी. दूसरा, ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने कार्य तत्वों द्वारा रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं. अब इस प्लैनेटरी हिराकी में जो नाइन प्लैनेट्स की हिराकी है इसमें सबसे प्रथम स्थान सूर्य देव को दिया गया है. क्योंकि सूर्य देव को इसलिए दिया गया है ये प्रथम स्थान क्योंकि हर क्रिएशन के पीछे, हर उत्पत्ति के पीछे सूर्य का हाथ होता है. बिकॉज जो सूर्य की एनर्जीज होती हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है. तो आज जो मेरा प्रयास रहेगा, बिना आप केपी चार्ट के कोऑर्डिनेट्स को पढ़े हुए आप खाली कार्य तत्वों द्वारा कैसे रीड कर सकते हैं इस कुंडली को, आप कैसे 15-20 प्रेडिक्शंस कुंडली आई दे सकते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में. तो सूर्य जैसे पराशर ऋषि ने जब वो पढ़ा रहे थे तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि इस धरातल पे उत्पत्ति का कारण कौन है, हु इज द क्रिएटर. तो उन्होंने कहा हर चीज का क्रिएशन सूर्यदेव करते हैं. तो सूर्यदेव
आपकी आत्मा है, सूर्य इज योर आत्मा। आप इस जीवन में आपने जो जन्म लिया है किसी ना किसी कारणवश या कारण हेतु जन्म लिया है, बिकॉज वी से दैट एवरी सोल हैज गॉट अ पर्पस। तो आपका, मेरा, या आरती जी का, या संध्या जी का, या किसी का भी इस धरातल पे जन्म लेने का कोई ना कोई सोल पर्पस है। जहां भी सूर्य देव आपकी कुंडली में बैठेंगे, उस भाव से आपको अपने जीवन का सोल पर्पस पता चलेगा कि आपने इस जीवन में जन्म क्यों लिया है। जब तक आप उस सोल पर्पस को इस जीवन में पूरा नहीं करेंगे, आप दोबारा रीबर्थ लेते रहेंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। रीबर्थ के लिए आप अगले जन्म में आप कोई जानवर बन के आ जाएं, या इंसान बन के आ जाएं, या कुछ भी बन के आ जाएं, आप जन्म लेते रहेंगे जब तक आप उस डिजायर या उस सोल पर्पस को अचीव नहीं कर लेते, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। आप भटकते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, रीबर्थ होती रहेंगी। मोक्ष तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन का सोल पर्पस को जान लेंगे और अचीव कर लेंगे। आपकी सर केपी चार्ट में सन की पोजीशन या लगन चार्ट में सन की पोजीशन? मैं केपी चार्ट में ही बोलूंगा, क्योंकि केपी चार्ट संध्या जी आपको एग्जैक्ट प्लेसमेंट बताती है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी प्लेसिडियस हाउस डिविजन। तो वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताती है कि आपकी आत्मा किस भाव से जुड़ी हुई है, आपका इस जन्म में आपका क्या उद्देश्य है, आप किस लिए आपने जन्म लिया है। वो आपको सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी। तो जिस भी भाव में सूर्य बैठा होगा, उस भाव से आपकी आत्मा जुड़ी हुई होगी। अगर पंचम में बैठा होगा तो आपकी मौज मस्ती से, आपकी प्रथम संतान से आपकी आत्मा जुड़ी होगी। अगर 11वें भाव में बैठेगा तो आपकी आत्मा मौज मस्ती के लिए, सोशलाइजिंग के लिए बड़ी प्रसन्न रहेगी। सर अगर 4th में बैठा हो तो आपका इस जीवन में सोल पर्पस कंफर्ट्स है, आपको लैंडेड प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, जब भी आप लेती होंगी, जब भी आप कंफर्ट में रहती होंगी, आपकी आत्मा, दिल से आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। जी सर। हाँ क्योंकि कहा जाता है कि मन से करा हुआ कार्य आपको खुशी देता है, आत्मा से करा हुआ कार्य आपको अति प्रसन्न करता है। एक मिनट बस होल्ड करिएगा। जी आप आ गई संध्या जी। जी सर जी वो सर। जहां भी आपका सूर्य बैठा है, जैसे आपने कहा चौथे भाव में बैठा है, तो आपकी आत्मा डोमेस्टिक पीस, अपनी होमलैंड से, प्रॉपर्टी से, ऐशो आराम से, कंफर्ट से, जब भी आपको ये मिलेंगे, मन की शांति मिलेगी। चौथा घर मन की शांति है, चौथा घर आपका
प्रेजेंट रेजिडेंस है, वो चार दीवारी है जहां आप रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो जब भी वहां आते हैं आपको आपकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है, आपके मन कैश का कारक लिक्विडिटी है। ठीक सर, है, कैश कैश लिक्विडिटी का भी कारण है ना। लिक्विडिटी का भी कारक है, चंद्रमा फिकल माइंडेड भी है, आपका अवचेतन मन भी है, चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट भी है। जिस भाव में भी चंद्रमा बैठेगा उस भाव से आपका मन अटैच हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो आपका जॉइंट फैमिली वेल्थ खान पान से स्पीच से आपका मन अटैच हो जाएगा। आप पैसा पैसा करते रहेंगे, आपका मन बोलेगा भाई पैसा पैसा, आपकी आत्मा बोल रही है कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट। अगर आपका दूसरे भाव में बैठा है सूर्य, अगर सूर्य चौथे में बैठा है और चंद्रमा दूसरे में बैठा है तो जो आपका मन करेगा, मन आपका करेगा कि कहाँ से पैसा आए, कहाँ से मैं अपने रिसोर्सेस को एक्यूमुलेट करूं, क्योंकि एक्यूमुलेशन का भाव है। ऐसे ही अगर चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो तीसरे भाव में चंद्रमा को बोला जाता है विजयी घोड़ा। तो आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की मदर का राज होगा घर पे, वो डोमिनेट करेगी उसकी मदर। तो चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा, अगर 11वें भाव में बैठ जाएगा चंद्रमा तो आपको सोशलाइजिंग बड़ा पसंद आएगा, आपको फ्रेंड्स बनाने के साथ बड़ा खुश रहोगे। जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे बड़ी खुशी रहेगी। आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है संध्या जी? जी संध्या जी, आप हैं तो जिस भी भाव में चंद्रमा बैठेगा आपका, उस भाव के एक्टिविटीज से आपको लगाव हो जाएगा। उस भाव के प्रति आपका ट्रैवल बहुत होगा। सर आपका नेटवर्क का इश्यू था शायद। चलिए मैं आपसे पूछ रहा था संध्या जी कि आपका चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है? तो सर मेरा फोर्थ में है। चंद्रमा चौथे में बोला जाता है जितना ये व्यक्ति खर्चेगा उतने बढ़ेगा इसका आमदनी का दरिया। जी सर, यानी कि आपका मन भी घर में लगता है, आपका मन और आपकी आत्मा जी दोनों का सर, संगम है। जो आपका मन बोलता है वही आपकी आत्मा बोलती है। आपके मन को भी प्रसन्नता, कंफर्ट्स, लग्जरीज, प्रॉपर्टी से मिलती है, मदर से मिल जाएगी। चौथा घर मदर का है, होमलैंड का है। तो आपकी आत्मा और आपका मन एक ही चीज बोलते हैं, या भाव चलित की प्लेसमेंट बता रही है ना मेरे को। तो आप का जहां भी चंद्रमा बैठेगा उस भाव से आपका मन अटैच हो जाएगा। अब चौथा घर रेस्टोरेंट्स का है, तो आपको रेस्टोरेंट्स भी बड़े पसंद लगेंगे जाना। फाइव स्टार होटल्स हैं, लग्जरी है, लग्जूरियस व्हीकल्स हैं, उनमें आपको ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी आत्मा भी खुश होगी। आपका अगर आपको बोला जाए कि आप को ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से
यू विल प्रेफर अ लग्जूरियस वे ऑफ ट्रेवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन अ नॉर्मल वे, इज दैट राइट और नॉट? ठीक है, तो जहां से आपका मन अटैच्ड है, जहां से आपका सोल अटैच्ड है, भूतों का क्या होता है, सोल तो चौथे भाव में बैठी है या पंचम में बैठी है, तो पहले से उनकी आत्मा जुड़ जाती है, और जैसे ही अगर सूर्य कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज्यादा बोलता रहता है, आपने देखा होंगे बहुत सारे व्यक्ति बोलता ही रहता है, तो उसका सूर्य कहाँ बैठा होगा, उसको बोलना बड़ा अच्छा लगता होगा, सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस में। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाते ही सोशलाइजिंग करता है और बड़ा खुश रहता है, तो उसके सूर्य कौन से भाव में रहेगा? घर पे बिल्कुल मायूस का बैठा रहेगा। बिल्कुल ठीक बोला। तो जैसे ही वो सोशलाइजिंग करने जाता है, उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, आपकी जिंदगी में जो ऊर्जा है, ऊर्जा मंगल है, वो किस भाव में मंगल बैठा है, उस भाव के प्रति आपकी ऊर्जा लगेगी। जहां मंगल बैठा है, उस भाव के प्रति आपकी लड़ाई झगड़े होंगे। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका मंगल तीसरे भाव में बैठा है, तो ये व्यक्ति की जो ऊर्जा है छोटे बहन भाइयों में लगेगी। इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं छोटे बहन भाइयों से। इस व्यक्ति के तीसरे भाव से, सॉरी तीसरा भाव बोल रहा हूं, तीसरे भाव में बैठा है, तो बहन भाइयों से उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसकी जो ऊर्जा लगेगी ट्रैवल में लगेगी, इसकी जो ऊर्जा है डॉक्यूमेंटेशंस में लगेगी, इसकी जो ऊर्जा है मार्केटिंग में लगेगी, इसकी जो ऊर्जा है किसी एजेंसी बिजनेस में लगेगी, मीडिया में लगेगी, न्यूज सुनेगा क्योंकि तीसरा घर न्यूज का है, ये डील्स बनाने की कोशिश करेगा, उसमें अपनी ऊर्जा बनाएगा। छठे भाव में बैठे हैं वो मंगल, तो छठे भाव में अगर मंगल बैठा है तो छठा घर जॉब का होता है, छठा घर सेवा भाव होता है, छठा भाव पेट्स का होता है। तो आपकी ऊर्जा, अगर आपका मंगल छठे भाव में बैठा है, तो आपकी ऊर्जा इन सब चीजों में लगेगी। जी सर। ठीक है संजय जी। सर वो भाव तो लोन का भी होता है। किसका होता है? लोन का। हाँ, तो लोन लेने में भी आपकी ऊर्जाएं लगेंगी, आपकी लड़ाई झगड़े में ऊर्जा लगेगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भाव है, आपके मतभेद रहेंगे आपके हस्बैंड से, उसमें आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे, ओपन एनिमीज है छठा भाव, ठीक है, तो उन भावों के प्रति, और मंगल लोन का कारक है। जो भी आपकी जिमिंग एक्सरसाइज है, मंगल जैसा ग्रह वहां बैठा है, अगर आप जिमिंग एक्सरसाइज या कुछ करेंगी तो ही तो मंगल यूटिलाइज होगा ना, नहीं तो वो मंगल वध की तरह काम करेगा छठे में, क्योंकि मंगल के लिए छठा घर अच्छी प्लेसमेंट नहीं, अंटिल अनलेस यू आर यूजिंग मार्स। अब आपको डिसिप्लिन, फोकस, पेशेंस, हार्ड वर्क, लिमिट्स, कौन सा ग्रह है? शनि। वेरी गुड। जहां भी शनि आपकी कुंडली में बैठा है, उस भाव के प्रति आपको डिसिप्लिन, फोकस और लॉन्जिविटी का भी कारक शनि है, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो उन भावों की एक्टिविटीज के प्रति आपको अपना हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, आपको उस भाव में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा,
आपको उस भाव के प्रति पेशेंस दिखाना पड़ेगा जिस भी भाव में बैठा है। आपको उस भाव के प्रति रिजल्ट्स डिले से मिलेंगे, क्योंकि शनि डिले का कारक है। उस भाव को पहले शनि ना चार दीवारी बनाता है, क्योंकि शनि का काम है, इट इज द प्लैनेट फॉर मिजरी एंड सॉरोज। तो शनि जो मिजरी और सॉरोज देता है, वो तभी तो देगा, वो दुखों का कारक है ना, जब उस घर को अच्छा कर देगा। उसके बाद जब अच्छा कर देगा, उसमें चार दीवारी बना देगा, लाल किला बना देगा, प्रोटेक्ट कर देगा, फिर उसमें बैठ के आपको दुख देगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपका शनि सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव बिजनेस का है, आपका स्पाउस का है, आपका डेली इंटरेक्शन का है, आपकी डेली इनकम का है, आपके जॉइंट वेंचर्स का, आपका पार्टनरशिप का है। तो पहले उस घर को बड़ा मजबूत करेगा, उसके बाद शनि उस भाव से आपको पीड़ा देगा। तो शनि जहां बैठता है, उस भाव से आपको पीड़ा मिलेगी। उस भाव की एक्टिविटीज में आपका डिले हो सकता है, क्योंकि शनि इज द कारक फॉर डिले। मंगल को बोला जाता है वो खुशियां हैं, शनि को बोला जाता है वो दुख है। बट एक्चुअल में अगर शनि आपको कम दुख देगा, तो ऑब्वियसली आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी। अगर शनि आपको दुख ज्यादा देगा, तो आपके सुख कम हो जाएंगे। तो सुखों और दुखों का शनि देव ही कारक है, कर्म कारक है। तो जहां भी वो बैठेगा, वहां से आप अपने कर्म कर सकते हैं, उस भाव से, क्योंकि कर्मों का स्वामी। हाँ जी सर, केपी चार्ट में रेट्रोगेट होते हैं प्लैनेट्स? नहीं, केपी में ना हम रेट्रो लेते हैं, ना हम दृष्टि लेते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं। हम सिर्फ हाउस की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, प्लेनेट की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अगर उस प्लेनेट के साथ 8 12 6 8 12 जैसे नंबर लग जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम देते हैं, वो बैंड बजाते हैं, वो इवेंट को भगवान भरोसा कर देते हैं। सबसे पावरफुल मैंने कहा सब लॉर्ड होता है, उसकी दादागिरी चलती है, उसके बाद नक्षत्र होता है, फिर उसके बाद आपका प्लैनेट होता है। इसमें यूटी प्लैनेट्स होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं। अभी मैं आपकी ये खत्म कर देता हूं, उसके बाद मैं आपकी कुंडली लगा देता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ संध्या जी, कि आपके जीवन में बिना कोऑर्डिनेट्स पढ़े, बिना चार्ट पढ़े, आपके साथ चार्ट आया, आप तोते की तरह बोलने लग जाओ। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं आज क्लास करेंगे, वी विल हैव अ शॉर्ट। ओके सर। सर मेरा एक और डाउट है, अगर किसी को अपना टाइम नहीं पता। जी कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं पता है, हमारा एक इसमें टॉपिक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, और केपी से बढ़िया कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता नहीं है। तो जब वो टॉपिक करेंगे, तब आप किसी भी व्यक्ति का समय आगे हाँ पीछे कर सकते हैं ठीक है सर। और उसका बर्थ टाइम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स हैं, हाउ टू डू अ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। वंस वी डू द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यू विल बी एबल टू डू दैट। अब भाग्य का कारक, नॉलेज का कारक, विजडम का कारक, आपके लक का कारक, आपकी प्रोस्पेरिटी का कारक कौन सा ग्रह है? सर जुपिटर। जिस भाव में आपके जुपिटर बैठेगा, उस भाव से आपको लक मिलेगा, आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, आप उस भाव की नॉलेज, नॉलेज इज लक, एक अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। उस भाव के प्रति आपको विजडम मिलेगी। तो अगर आपका बृहस्पति लग्न में बैठेगा, तो व्यक्ति अगर नहीं पढ़ेगा, तो उसका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर नॉलेज और विजडम का कारक है।
इसलिए लाल किताब में कहा जाता है, ये व्यक्ति जितना पढ़ेगा उतना राज करेगा। इलम राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। तो लाल किताब सीधा सीधा बोलती है कि इस व्यक्ति को डिग्री चाहिए, भले ही चोरी की लाज, उसके यहाँ डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर बृहस्पति आपका लगन में है तो आपको नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, आपको डिग्री लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका भाग्य कभी साथ नहीं देगा अगर आप पढ़े लिखे नहीं हुए। तो जिस भाव में भी बैठा है आपको उस भाव की नॉलेज, विजडम, उस भाव से रिलेटेड हुई लोगों के, उस भाव से प्रॉस्पेरिटी, उस भाव से आपका भाग्य, किस्मत उसी भाव से लिखी है। अगर लगन में बैठा है तो वो व्यक्ति खुद अपनी किस्मत बनाएगा। तो जहां भी बृहस्पति बैठेगा आपकी कुंडली में, उस भाव से आपकी किस्मत जुड़ी है, आपका भाग्य जुड़ा हुआ, आपकी प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई, आपका लक जुड़ा हुआ। जिस भाव में आपका बुध बैठेगा उस भाव से आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, ह्यूमर, व्यापार, ये वाली सारी चीजें जुड़ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर 11वें भाव में बुध बैठा है तो आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट कहाँ काम करेगा? मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट गेन्स के लिए, आपके सोशल सर्कल में, आपकी सोशलाइजिंग में, कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, क्योंकि बुध इन सबका कारक है। तो जिस भी भाव में आपका बुध बैठेगा उस भाव से आप आसानी से उन चीजों को, अपना इंटेलेक्ट, अपना ह्यूमर, अपना व्यापार, उन चीजों से कर सकते हो। ऐसे ही आपके भीतर का पैशन, आपकी अटैचमेंट राहु है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि वो सूर्य को ग्रहण लगा चुका है, जो इस प्लेनेटरी हिराकी में राजा होता है। जब राजा को ग्रहण लगा दिया तो राहु तो खुला हुआ आकाश है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बृहस्पति भी आकाश है, बट राहु को कोई लिमिट ही नहीं पता। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव के प्रति आपका पैशन रहेगा। पंचम में हो जाएगा तो आपको लव अफेयर्स का रह जाएगा, सप्तम में हो जाएगा तो अपोजिट जेंडर से हो जाएगा, तीसरे में बैठ जाएगा, छोटे बहन भाई है, छोटी दूरी की यात्रा है, आपका डीपेस्ट डिजायर है, चौथे में बैठ जाएगा तो चौथे में बैठ जाएगा तो भाई आपकी होमलैंड, आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी, आपके सुख। राहु कहता है जिस भाव में बैठेगा तो ये मानिए पिछले जन्म में आपको चीजें नहीं मिली थी, इसलिए राहु इस जन्म में उस भाव में बैठा है। तो राहु कहता है चाहिए तो चाहिए, अगर गाड़ी चाहिए राहु को चौथे में बैठ के, कंफर्ट चाहिए, तो कहेगा संध्या जी खून करो, जो मर्जी करे वो मेरे को लाके दो। ये राहु वो वाला पैशन है कि आपने वो पिक्चर आई थी कौन सी, शाहरुख खान की, डर, वो अगर पीछे पड़ गया, वो किरण की किरण करके ऐसे बोलता था ना, तो वो राहु है, वो पैशन है। जैसे एक सनी डियोल की आई थी, वो तारा पाकिस्तान चला गया था उसको लेने के लिए गदर, तो राहु को अगर कोई चीज चाहिए, अगर हिमालय पे भी चढ़ना हो तो राहु हिमालय पे चढ़ जाएगा, वो कहेगा लाओ। सर एक बात बताइए, जैसे तीन चार प्लैनेट एक हाउस में होते हैं तो जैसे मून, राहु और मर्क्यूरी चौथे भाव में है,
तो राहु तो उधर खराब हो गया। देखिए ऐसा है कि मैं अभी आपको कार्य तत्व बता रहा हूं कि आपको क्या चाहिए। आपका मन चौथे भाव से जुड़ा हुआ है, पर कोई आपका और इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट चौथा घर एजुकेशन का है, पढ़ाई का है। आप अपनी बुद्धि यूज करेंगी पढ़ाई में, इंटेलेक्ट में, बुद्धि एजुकेशन है। चौथा घर इंटरेस्ट है, तीसरा घर हॉबीज है। तो हॉबीज आपके इंटरेस्ट में एक घर आ गई तो बनाएगा ना, इट विल एनहेंस। आप कह रही राहु है तो आपको कंफर्ट चाहिए एट एनी कॉस्ट इन योर लाइफ। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विदाउट कंफर्ट्स। भले कोई और प्लैनेट से कंजंक्शन में है, बट वो इफेक्ट उसका है नहीं कारक कि हर तत्व वो ग्रह ही बैठ के रहेगा। कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा। अब आपकी आत्मा भी जुड़ी हुई है, सो यू आर मोर द मेरियर एंड मोर द हैप्पी एट योर होम। यू डोंट वांट टू गो आउट। आप उस चार ओके सर, दीवारी में प्रसन्न है। आप अपनी जहां भी पैदा हुई हैं, होमलैंड है, वहां जाके बड़ी प्रसन्न है। ठीक है सर। पढ़ाई है, पढ़ाई करना और कराना आपका पैशन है। जी आप पढ़ाती हैं ना, सर, इट इज योर पैशन। बुध है इसलिए पढ़ा रही है, चंद्रमा आपका मन लगता है। अगर यही आप ऑनलाइन पढ़ाएं तो राहु इस्तेमाल हो जाएगा, आपकी आत्मा भी खुश रहेगी, आपको सुकून सुख भी देगा। क्योंकि तो राहु चौथे में कहा जाता हुआ सोया हुआ हाथी है लाल किताब में, तो उसको मत उठाइए। तो अगर हाथी को उठा दिया या हाथी को जो नहारा हो, क्योंकि वो शीतल जल है, बहता हुआ जल है, अब नहाते हुए हाथी को अगर आपने छेड़ दिया तो जंगल में ऐसी तैसी कर देगा, महावत भी आ जाएगा, उसको भी कुचल देगा। तो इसलिए चौथे वाले राहु को उठाना नहीं चाहिए। आप उसके कार्य तत्वों को यूज करो तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। वो तो कहता है मेरे पीछे भागो, कलयुग का राजा मैं ही हूं, केतु वेतु नहीं है, कोई शनि नहीं है, कोई शुक्र नहीं है, मैं ही राजा हूं, मेरे पीछे भागो। वो दुनिया भागती है उसके पीछे। अगर आपका शुक्र जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव के प्रति आपको लग्जरीज कंफर्ट्स मिलेंगे। उस भाव के प्रति आपको, उस भाव के प्रति सोफिस्टिकेशन हाइजीन बरतनी पड़ेगी। उस भाव के प्रति आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। उस भाव के प्रति आपका प्लूटोनिक लव होगा। अगर शुक्र किसी का मान लीजिए 12वें भाव में है, तो उसको भाई डोनेशन करना, स्पिरिचुअलाइजेशन करना, वहां शुक्र को बोला जाता है जगत प्रेम। या 12 नंबर राशि में हो या 12वें घर में हो, क्योंकि शुक्र प्लूटोनिक लव है, शुक्र प्यार है, सॉरी प्यार राहु है, शुक्र प्रेम है। जिस चीज से आपको प्रेम है वो शुक्र है, और जिस चीज से आपको प्यार है वो राहु है। ये बात याद रखिए, शुक्र को देर नहीं लगती राहु के जोन में जाने में। जो दहलीज पार करता है तो वो ही प्रेम प्यार बन के रह जाता है। कभी इस टाली पे, क्योंकि शुक्र मट्टी है, तो कभी इस सड़क पे धूल बनती है, कभी उस मट्टी की
जो सैंड ड्यून होते हैं उस पर धूल बन जाती है, तो शुक्र आवारा हो जाता है। तो राहु बेसिकली आपका प्यार है, जो भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, फिजिकल प्लेजर्स हैं, वो सब राहु है, क्योंकि शुक्र के दो अंश होते हैं, एक राहु और केतु। केतु जिस भाव में बैठेगा, राहु जिस घर में बैठेगा, उस भाव से आपको प्यार हो जाएगा, प्यार। केतु जिस भाव में बैठेगा आपको डिटैच करेगा, आपको केतु उस घर से काटता रहेगा, कटिंग करता रहेगा। केतु से अगर कुछ चाहिए तो आपको लेट गो लाना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि केतु मोक्ष है, केतु लिबरलाइजेशन है। अगर केतु किसी का नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो नाइन्थ हाउस केतु एग्जॉल्टेशन में होता है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है केतु की। नवम भाव में भी आपको डिटैच रखेगा आपके फादर से, सेपरेट करा देगा, आपके गुरुओं का घर है, गुरुओं से सेपरेट करा देगा, गुरुओं से किसी प्रकार का विवाद करा देगा। टेंथ में है तो कहेगा यार नौकरी बहुत हो गई, ठीक है, आप भागोगे बट आपका मन नहीं लगेगा नौकरी में, सर आपके अगर कर्म सिक्स्थ में क्षेत्र में। हो, अगर सिक्स्थ में हो सर, केतु सिक्स में हो तो आपको रोग ऋण रिपु से डिटैच करेगा, तो आपके अंदर एक केयरलेस एटीट्यूड हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी भी होगी तो ये छोड़ आगे चलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी होगा आपका, वो चलो आगे चलते हैं यार छोड़ो। केतु आपको डिटैच कराएगा। छठे में बैठ के, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भाव है, तो आपके स्पाउस से आपको डिटैच कराएगा, अलगाव कराएगा। जिस भाव में बैठेगा उस भाव के प्रति आपको जीवन में झुकना पड़ेगा, क्योंकि केतु चरण है, केतु धर्म स्थान में भी चरण है। जिस भाव में केतु बैठता है, नाइन्थ में बैठेगा अपने फादर का चरण पकड़ लो, केतु सेट हो जाएगा। फिफ्थ में बैठा है अपने फर्स्ट चाइल्ड के चरण पकड़ लो, नाइन्थ में बैठा है अपने गुरुओं को पकड़ लो। सिक्स में बैठा है, सिक्स मामा का होता है, बॉसेस का होता है, आपके एम्प्लॉयज का होता है, बॉसेस के चरण पकड़ लो, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। सप्तम में बैठा है, वाइफ के चरण पकड़ लो, क्योंकि उस के प्रति आपको झुकना लिखा है, इट इज दिस टाइम। केतु झुकाएगा, झुकाएगा नहीं, आपकी सेपरेशन करा देगा। जितने भी केतु अगर सप्तम में लेके बैठे हैं, उनका जरूरी नहीं है कि सेपरेशन हो, मतलब कि हस्बैंड की कहीं ट्रांसफर हो गई, वाइफ कहीं और है, या हस्बैंड कहीं दूर चला गया कोई बिजनेस ट्रिप पे, महीनों महीनों नहीं आया, तो आपको डिटैच कराएगा केतु। तो केतु कहता भाई मेरे पीछे मत भागो, भागना राहु है उसके पीछे भागो, डोंट रन आफ्टर मी। ये आपका स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, समझे जी, थोड़ा आप इसको नीचे करिए, यू नॉट विजिबल, यू जस्ट एडजस्ट इट सो दैट। तो केतु बोलता है कि भैया कुछ भी चाहिए त्याग कर दो, छोड़ दो, मैं लाके दे दूंगा, पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए, मैं आपकी अभी ये जो समझाया है, इन शॉर्ट मैं आपको आपकी कुंडली का एनालिसिस कर देता हूं आज, उसके बाद वी विल ये देखिए, ये आपकी कुंडली है संध्या जी, ये आपका लगन चार्ट है और ये आपका भाव चलित चार्ट है। अब आपको प्रसन्नता कहाँ मिलेगी, आपकी आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है,
सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी। आपको चौथे भाव में आपका सूर्य है, आपकी इंटरेस्ट की चीजें जो आप करती हैं या करेंगी उससे आपकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। आपकी आत्मा आपके होमलैंड आपकी मदर से जुड़ी हुई है, भले ही आपके विवाद हो वो बात अलग है, राहु बैठा है, बट आपकी एंड ऑफ द डे आत्मा उनसे जुड़ी हुई है। आपकी आत्मा प्रसन्न तब होती है जब आपको पीस मिलता है, मन की शांति मिलती है, तो आपकी आत्मा बहुत खुश रहती है। जब भी आपको व्हीकल्स परचेज करती हैं, कोई भूमि संबंधित, कोई लैंड परचेज करती हैं, कोई फ्लैट परचेज करती हैं, आपकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। आपकी आत्मा, ये रेस्टोरेंट है, कंफर्ट्स है, 5 स्टार होटल्स है, लग्जरियस ट्रैवल है। अगर आप मान लीजिए ट्रेन में भी जाएंगी, सो यू विल प्रेफर एटलीस्ट अ सेकेंड एसी, नॉट अ 3 टायर, और यू विल प्रेफर अ फर्स्ट एसी, और यू विल रादर गो बाय एयर बिकॉज यू विल प्रेफर अ लग्जरियस ट्रांसपोर्ट। तो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। आपका मन भी चौथे भाव में बैठा है। आपके इमोशंस इस 4 दीवारी में, आपके होमलैंड में, आपकी मदर के साथ हैं, आपके सुखों के साथ हैं। ये खुशियों का भाव नहीं है, ये सुखों का भाव है। खुशियों का भाव पंचम होता है, तो जब भी आपको सुख मिलेंगे उसमें आपके मन बड़ा प्रसन्न होगा। आप चंद्रमा 4 लेके बैठी हैं, जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ेगा आपका आमदनी का दरिया। कभी भी जीवन में आप ट्राई कर लीजिएगा, जब भी आप खर्चा करने की तरफ जाती हैं कहीं ना कहीं से आपको पैसा आ जाएगा और वो आप चीज पे खर्चा कर देंगी, तो आपके जीवन में एक बहुत विचित्र योग है कि जितना खर्चा करेंगी उतना भरेगा आपका आमदनी का दरिया। और जब जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगी, आप को कैश लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी आपकी, अगर पैसा आना बंद हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी सेविंग कम हो जाती है ना अगर मैं खर्चा करती हूँ। आप जब भी खर्चा करती हैं आपके पास आता रहता है पैसा, जब आप पैसा जोड़ने की कोशिश करती हैं तब आपको हाँ पैसा नहीं आता। अजमा लीजिएगा। अगर आपने मैं सोच लिया कि आज मैंने कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, आप डाउन पेमेंट जाके दे आएंगी, तो आपके पास पैसा आ जाएगा उसको खरीदने के लिए। किसी ठीक है, मैं ऑब्जर्व करूंगी। भी कार्य के लिए अगर आप खर्चा करेंगी आपका बढ़ेगा आमदनी का दरिया, क्योंकि क्या है ना, चौथा घर शीतल जल है। अगर आप जल को कैद कर दोगे तो क्या होगा, काई लग जाएगी जल में। तो चंद्रमा शीतल जल है, कैश लिक्विडिटी है, जैसे ही आप कैश लिक्विडिटी को बांधना चालू कर दोगे तो वो खराब हो जाएगी आपकी कैश लिक्विडिटी, ठीक है। अब आपका मंगल भाव चलित में सप्तम भाव में बैठा है। अब आपकी जो एनर्जी जाती इंटरेक्शन में जाती है, डेली इनकम कमाने में जाती है, आपके स्पाउस के प्रति जाती है, और इसमें मंगल क्योंकि सप्तम में बैठा है, आपके स्पाउस से विवाद भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पहले प्रेम भी कराएगा फिर लड़ाई भी कराएगा, क्योंकि घर मंगल सप्तम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट है। तो जहां भी जाएगा आपके इस भाव के प्रति लड़ाई झगड़े होंगे, जो भी इस व्यक्ति में आएगा, कोई भी आप पार्टनरशिप का कार्य करेंगी तो उसमें लड़ाई झगड़े करा सकता है, आपके ज्वाइंट वेंचर में करा सकता है।
बट आपकी एनर्जीज ज्यादातर इसके प्रति जाएंगी. इन योर लाइफ यू विल स्पेंड, ये अपोजिट जेंडर का भाव है, अपोजिट जेंडर के प्रति आपकी ऊर्जा लगेंगी. ठीक है, ऐसा होता है सर, जैसे बेटों पे भी एनर्जी लगती है मेरी, जी, तो ऑपोजिट जेंडर पे तो लगती है बिल्कुल अपोजिट जेंडर का भाव है सप्तम, उसमें भी आपकी ऊर्जा लगेगी, आपके हस्बैंड पे भी आपकी ऊर्जा लगेगी. आपका भाग्य का स्वामी कौन है, मतलब कि भाग्य का कारक कौन है? वीनस जुपिटर. सर, वीनस भाग्य का कारक जो मर्क्यूरी नॉर्मल है, जो सर, नेचुरल आपने कार क्या का, बोला फिर से बोलिएगा। भाग्य का नेचुरल कार का कौन है? बृहस्पति. किस्मत, भाग्य, प्रोस्पेरिटी, ओके इस बृहस्पति कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में. जितना घूमेंगी, जितना लिखेंगी, जितना छोटे बहन भाइयों के साथ आपका मिलाव रहेगा, उतना आपका भाग्य उज्जवल होगा. तीसरा घर ऑनलाइन है, जितना आप ऑनलाइन को यूज करेंगी अपनी पढ़ाई में, इन नॉलेज का कारक, उतनी नॉलेज गेन करेंगी. जितना आप सोशल नेटवर्किंग करेंगी, नेटवर्किंग का भाव है ना तीसरा, तो जितना आप सोशल नेटवर्किंग करेंगी उतना आपका भाग्य उज्जवल होगा, उतनी आपकी किस्मत आपके साथ देगी. बृहस्पति तीन में मैं आपको रेमेडी दे देता हूं, अगर भाग्य नहीं याद करना पड़ रहा, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करा करें, उससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है बृहस्पति तीन की. अब आपको धन कहां से मिलेगा? धन का कारक कौन है? लग्जरीज कहां से मिलेंगी? शुक्र से. मैं मेरे नेचुरल दूसरे भाव कारक की बात कर रहा हूं, वेल्थ का कारक कौन है? शुक्र. ओके वीनस, ठीक है सर, ठीक है। वीनस कहाँ बैठा है? छठे भाव में, भाव चलित में. तो आपका धन कहां से आएगा? जॉब से, सेवा भाव से, कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से, किसी प्रकार की भी आप सेवा में, आप टीचिंग कर रही हैं, सेवा है ना वो, इट इज अ सर्विस, एनी काइंड ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड यू विल गेट मनी. योर कंफर्ट्स इज वीनस, विल कम फ्रॉम देयर, इट विल कम फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस. छठे में शुक्र को बोला जाता है कि भैया सज के रहना है, सवर के रहना है, नहीं तो लाल किताब बोलती है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे. सिंपल, जैसे आपने मुकेश अंबानी जी को देखा, उनका शुक्र सिक्स में है, वो बीबी को बिल्कुल टिप टॉप रखते हैं. आप खुद ही शुक्र है, अगर आप टिप टॉप नहीं रखेंगी, आप नंगे पैर घूमेंगी, इफ यू विल नॉट ड्रेस अप ब्यूटिफुली, शुक्र विल नॉट वर्क देयर. तो आपको अपने जीवन में बिल्कुल सोफिस्टिकेशन, मींस व्हाटएवर यू वेयर दे शुड बी प्रॉपरली आयरन्ड, प्रेस्ड होने चाहिए, यू शुड लुक ग्लैमरस, यू शुड लुक ब्यूटिफुल, देन ओनली शुक्र इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज दिस इज द कार्य तत्व ऑफ शुक्र. वैसे भी छठे में अगर आप डोमेस्टिक के डॉग कर लेती हैं, इट बी गुड, बिकॉज यहाँ केतु का लाल किताब में बोला जाता है इट इज द हाउस, और वैसे भी 12 नंबर राशि में बैठा है, सो यू विल हैव अ प्लूटोनिक लव फॉर एवरी वन. आप सेवा भाव में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्योंकि ये जितनी आप सेवा करेंगी ना, उतना आपको धन दौलत मिलेगी, उतनी लग्जरीज कंफर्ट्स मिलेंगी आपको. आपको पीड़ा, आपको डिसिप्लिन, आपको हार्डवर्क,
आपको पेशेंस कौन सा प्लेनेट है, कहाँ बैठा है, तो आठवें भाव पे। हाँ क्या कह रहा है? आप आठवें भाव का काम कर रही हैं, कह रहा धीरे धीरे सिखाऊंगा शने शने करके। पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अनएथिक्स का भी घर है, देगा शनि यहाँ बट धीरे धीरे देगा। और वैसे भी शनि कर्मों का कारक है, कर्मों का कारक अष्टम में बैठ गया। जब तक आप अष्टम को इस्तेमाल नहीं करेंगी आपका कैरियर सेट नहीं होगा, कर्म सेट नहीं होंगे। आपके कर्म सेट नहीं होंगे, आपको अष्टम को यूज करना पड़ेगा अपने जीवन में। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, आयु का भी है। शनि अष्टम में बैठ के लंबी आयु देगा। शनि इस घर को मजबूत बना देगा, फिर उसमें धीरे धीरे पीड़ा देगा, सौरोज मिजरी देगा अष्टम में बैठ के, बट देगा धीरे धीरे, एकदम नहीं, फास्ट स्पीड नहीं है। आप कर्म अपने यहां सेट कर देती है तो आपका कैरियर सेट हो जाएगा। बना दी हूँ एक बार सारे ना मेरे देखने के लिए दोबारा मैं क्या करूँ मैं खत्म करेंगे एक बार। तो आपको शनि आठवें भाव में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आठवां घर विंडफॉल भी है, आठवां घर इनहेरिटेंस भी है, आठवां घर हर प्रकार की पीड़ा है। तो पीड़ा भी वो धीरे धीरे अगर कोई देगा तो धीरे धीरे ही जाएगी आपके जीवन में, इतनी जल्दी नहीं जाएगी कि आ गई और चली गई, ऐसा नहीं होगा। सर एक डाउट था मेरा, जैसे लगन चार्ट में राहु मून और मर्क्यूरी है फोर्थ हाउस में, और ये भावचलित चार्ट में केपी चार्ट में मर्क्यूरी सन मून राहु है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे केपी केपी चार्ट चार्ट? में सूर्य की प्लेसमेंट में पंचम से ज्यादा चौथे में मानूंगा, क्योंकि चौथे में सूर्य ज्यादा रिजल्ट देगा आपको। पंचम भाव भाई फर्स्ट चाइल्ड का है, पंचम भाव मौज मस्ती का है, मन का जी सर, मनोरंजन है, पंचम जी सर, जी सर। भाव लव अफेयर्स का है। बट आपकी आत्मा जो प्रसन्न है ना, वो आपकी आत्मा चौथे भाव में ही आके प्रसन्न होगी। जी सर। आपको कंफर्ट चाहिए, मौज मस्ती से भी ज्यादा आपको लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए। ठीक ओके सर। है, केतु पे आ जाते हैं। केतु डिटैचमेंट देता है, मोक्ष देता है, कटिंग है, सैक्रिफाइस देता है। तो दसवें भाव में बैठ के, ये दसवां भाव कर्म है, तो आपका जॉब है, जो भी आप कर्म कहते हैं, कुछ टाइम आप कर्म करते हैं आपका, फिर मन आता है कि भाई मैं छोड़ दूं, कुछ और नया कर लूं, वो केतु है। जी 10th हाउस में आपके सुपीरियर्स यानी कि बोला जाता है कि 9th हाउस इज द फादर, आफ्टर द मैरिज 10th हाउस बिकम्स द फादर। आप फादर के पैर छूए, नहीं तो यू विल हैव टू बाउ डाउन इन विद योर कर्म्स, व्हाट एवर यू आर डूइंग। कोई भी कर्म कर रहे हो उसमें झुकाएगा केतु आपको। अगर नहीं झुकना है तो आप अपने फादर के चरण स्पष्ट करिए। आपको केतु
आपके कैरियर में आपके कर्मों में सेट हो जाएगा, नहीं तो ये अलगाव देता रहेगा केतु और आपकी जॉब्स चेंज कराता रहेगा या आपके कर्म चेंज कराता रहेगा जब भी दशा में आएगा। सर मेरे को एक बात पूछनी थी, जैसे शनि की महादशा चल रही है, शनि 8वें भाव में बैठे हैं, तो क्या ये शनि की दशा में लाइक मुझे प्रॉब्लम्स होगी? देखो अष्टम में शनि ज्यादा अच्छा तो नहीं होता, हाँ ठीक तो सर है, बट शने शने करके देगा रिजल्ट, एकदम नहीं, फास्ट मूविंग नहीं है प्लेनेट, और वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है प्लेनेट, हाँ अगर पर सर राशि के आठवें माध्यम से देखूं, बट अष्टम भाव बुरा है, ठीक जी है, कोई भी सर प्लेनेट यहाँ आता है, क्योंकि चंद्रमा माने एक ही प्लेनेट या नीच का होता है वो चंद्रमा होता है अष्टम में, जब मन ही नीच का हो जाता है तो कोई प्लैनेट से अच्छा नहीं करता, और वैसे भी लाल किताब में ये शनि का हेडक्वार्टर कहा जाता है अष्टम भाव, तो शनि की अष्टम में प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है, बट अगर आप इस घर के प्रति पेशेंस दिखाएंगे, हार्डवर्क करेंगे, जो इस घर के कार्य तत्व हैं ये सब ऑकल्ट में आ गए हैं आप, तो उसमें धैर्य दिखाएंगे, अपने कर्मों के साथ ऑकल्ट को जोड़ लेंगे, तो शनि यहाँ ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है, नहीं तो ओके okay. यहाँ प्रॉब्लम्स देगा। शनि बीमारी का भी कारक है, आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगी ना तो वो एकदम नहीं जाएगी, वो धीरे धीरे जाएगी। सर शनि की महादशा में मेरे को ना प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो बीमारी का कारक है, शनि की तो महादशा 19 साल की है, इतनी लंबी दशा होती है, ये थोड़ी के प्रॉब्लम नहीं, आप जब ऑकल्ट में आ गई हैं तो आपको ये थोड़ी रिलीफ मिलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि कर्मों का स्वामी खुद ही अष्टम में है, अगर आप अष्टम का आप रिसर्च करें, ठीक है, जो भी है उसकी रूट तक जाए, क्योंकि जी सर ये रूट्स है अष्टम भाव, ये धरती के नीचे की चीजें हैं अष्टम भाव, जी इसलिए सर कहा जाता है कि भैया अष्टम भाव में ही ताकत होती है राजा को रंग बनाने की और रंग को राजा बनाने की, जब ये छप्पड़ फाड़ पैसा देता है तो पैसा नहीं संभलता, और जब ये पैसा लेता है तो फिर वो तिजोरी है अलमारी है आपको फटे हाल कर देता है ये भाव, तो ये भाव में ही ताकत है, दुनिया के आप किसी भी नामी ग्रामी या टॉक अबाउट 10 richest पीपल ऑल आर कनेक्टेड टू द 8th house, आठवां घर ही आपको राजा बना सकता है, क्योंकि तो वो दूसरे व्यक्ति का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। अनएथिक्स का भी घर है, ब्राइब का भी घर है, ये बेसिकली कैश लिक्विडिटी बोलते हैं इस भाव को, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति का पैसा है, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका बैंक बैलेंस सेकेंड हाउस है। तो कहने का अर्थ ये, मैंने एक छोटा सा आपको ग्रहों के कार्य तत्वों उसको लाके ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जी। राजबाला जी आप हैं क्या लाइन पे, आर यू देयर? जी राजवाला जी आप हैं? चलिए, तो आज मैंने थोड़ा सा आपको कार्य तत्वों के बारे में बताया, बाकी जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हैं अवेलेबल? तो अब आप संध्या जी अपने कार्य तत्वों के द्वारा प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स के कार्य जी सर तत्वों से आप प्रिडिक्शंस दे पाएंगी विदाउट हाँ यूजिंग जी दी सर कोऑर्डिनेट्स, यस सर सो यू प्रैक्टिस इट, आप भी शायद राज बालाजी लेट आई हैं तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि जिस भाव में भी ये प्लैनेट्स बैठते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट कैरियर हैं, वो हाउस लॉर्ड होते हैं, उसको अगली बार हम करेंगे डिटेल में कार्य तत्व
एक छोटा सा सिनॉप्सिस हाँ आपको। सर, मेरे को ना एक डाउट है कि मेरा शायद टाइम और बर्थ थोड़ा आगे पीछे है, तो उसके वो लिए मैंने तो कहा ना कि बीटीआर करना पड़ेगा, हाँ, वो जब लास्ट में आप सिखाएंगे ना तो एक बार मेरे को मैं आप तो ही का चार्ट लगा दूंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि फिर मेरे को समझ आएगा कि मेरा टाइम ठीक ऑफ बर्थ क्या है। ओके सर, है, थैंक यू। तो वी विल वाइंड अप द क्लास ओके नाउ। सर, ओम नमः शिवाय, थैंक यू, शुभ रात्रि, एंड सी यू ऑल सर थैंक यू। होपफुली ऑन ट्यूसडे। थैंक जी यू। सर, थैंक यू।